हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है स्टैंडर्ड सेवेंथ का इंग्लिश सब्जेक्ट, जिसका नाम है कॉम्पेयर अ प्रोग्राम। ये बेसिकली कोई स्टोरी नहीं है, और सेकेंडली इसके राइटर के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कॉम्पेयर का मतलब समझने की कोशिश करते। कॉम्पेयर का मतलब है वो पर्सन जो एक शो को या फिर एक इवेंट को या फिर एक क्या कह सकते हैं फंक्शन प्रोग्राम को होस्ट करता है। जैसे कि अगर आप रियलिटी शोज़ में देखो या फिर अवार्ड फंक्शंस में देखो, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैसे किस तरह से बताते हैं कि अगला परफॉर्मेंस कौन है, उसका नाम बताते हैं, या अगला परफॉर्मेंस क्या होगा, डांस होगा, अगला परफॉर्मेंस कोई नॉमिनी का रहता है, उस फिल्म के नॉमिनीज वगैरह बताते हैं। तो वैसा होता है, वो होस्ट होता है जो ऑडियंस को और इवेंट को कनेक्ट करके रखता है। तो इसमें भी जो मतलब इवेंट है वो किसी स्कूल के रिलेटेड है, और उस स्कूल का नाम है बालानंद विद्यालय। वहाँ पर स्कूल आर्ट फेस्टिवल का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, और कॉम्पेयर की पूरी मतलब कॉम्पेयर को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि किस तरह से एक एक चीज़ को अनाउंस करना, किस तरह से उस पर्टिकुलर शो को संभालना, वो सारी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कॉम्पेयर के हाथ में है। तो शुरू से शुरुआत करता हूँ। चीफ गेस्ट को बुलाया गया है इस शो को इनॉग्रेट करने। इनॉग्रेट मतलब वो रिबन काटते ना, ऐसे किसी चीज़ का बोलते ना उद्घाटन करते हैं। तो चीफ गेस्ट को बुलाया गया है, इनवाइट किया गया है, और चीफ गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं फ्रंट रो पे वो है प्रेसिडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। तो ये सब लोग बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद कॉम्पेयर सारे गेस्ट को मतलब ऑडियंस इन सबको, चीफ गेस्ट और प्रिंसिपल वाइस इन सबको वेलकम करने के साथ साथ ऑडियंस को भी, स्टूडेंट्स टीचर्स सबको वेलकम करता है फॉर कमिंग टू दैट पर्टिकुलर इवेंट। और उसके बाद जो स्कूल के हेड गर्ल होती है वो इन सब जो फ्रंट रो पे बैठे हुए चीफ गेस्ट को इन सबको बुके देती है वेलकम करने के तौर पे। और उसके बाद चीफ गेस्ट मतलब बोलते हैं ना इवनिंग के टाइम पे रहते, तो इवनिंग की शुरुआत होती है प्रेयर से, ऑब्वियसली प्रेयर, और मशाल जलाते हैं वो लोग। तो मशाल जलाने के बाद जो कॉम्पेयर है वो कहता है कि जो मशाल में जो आग लगी है मतलब फ्लेम, वो फ्लेम और ठीक हम सब स्टूडेंट्स के नॉलेज की तरह है, नॉलेज की तरह जो बुझना नहीं चाहिए, इसीलिए वो लोग मशाल जलाते फॉर एनलाइटमेंट, एनलाइटिंग आवर नॉलेज। तो ये सब बताने की कोशिश की है। उसके बाद धीरे धीरे शो आगे जाता है, और स्टैंडर्ड सेवन्थ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सिंगिंग स्कूल एंथम बोलते हैं ना, स्कूल सॉन्ग रहते हैं, जैसे हर स्कूल में स्कूल एंथम रहता है, तो इस तरह से इनके भी स्कूल एंथम रहते हैं। वो तो स्टैंडर्ड सेवेंथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गाना वो जो स्टेज में आकर गाते हैं। उसके बाद कॉम्पेयर होता है, वो कुछ शब्द कहते हैं, कुछ तारीफ करते हैं, कुछ मतलब शब्दों में तारीफ करते हैं चीफ गेस्ट के अचीवमेंट के बारे में, प्रेस करता है कि उन्होंने क्या क्या बोलते हैं ना मतलब अचीव किया लाइफ में। फिर प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के बारे में बताया है, उन लोगों ने भी क्या अचीव किया है, प्रेसिडेंट के बारे में, और ऐसे करते हुए कॉम्पेयर फिर प्रिंसिपल को स्टेज पर बुलाते हैं टू टेल फ्यू वर्ड्स, मतलब कुछ एक छोटा सा स्पीच देने के लिए अबाउट दिस इवेंट। फिर प्रिंसिपल चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट करता है कि वो जो इनॉग्रेशन उद्घाटन के लिए वो रिबन काटने के लिए प्रिंसिपल से सब बोल देता है, मतलब प्रिंसिपल अपना स्पीच देता है छोटा सा इवेंट के बारे में, कुछ समरी देता है सब पूरे ऑडियंस को। उसके बाद वो रिक्वेस्ट करते चीफ गेस्ट को आकर के रिबन काटने को। उसके बाद फंक्शन चालू कंटिन्यू रहता है, और फिर स्टैंडर्ड टेंथ ए के होते हैं वो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो प्ले करते हैं। उसके बाद एच सी मतलब आठवीं के बच्चे लोग फोक डांस में वगैरह डांस में पार्टिसिपेट करते, तो वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड नाइन्थ के जो होते हैं वो लोग ड्रामा पेश करते हैं, मतलब होते हैं ना स्किट की पेशकश करते हैं। और ऐसे होते होते फंक्शन धीरे धीरे समाप्त होने को आता ही है, और उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसे चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, और चीफ गेस्ट को मतलब बोलते प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है, वो अपना एक छोटा सा स्पीच देता है चीफ गेस्ट, शो के बारे में बताता है कि कैसा उन्हें लगा। उसके बाद वो उन स्टूडेंट्स को बुलाते हैं जिनको प्राइज़ मिला है, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इस तरह से शो समाप्त हो जाता है। बड़ा ईजी था, लेकिन मुझे तकरीबन पूरा एक दिन लगा इसको समझने के लिए, मैंने उल्टा समरी करके लिखा था ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं। तो दैट्स इट, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने बताया मतलब कहा था कि इस पे वीडियो बनाओ, तो मैंने बनाया है। सो थैंक यू, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि बेसिकली क्या था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ऑब्वियसली
शेयर करना ना भूले अपने सारे क्लासमेट्स को, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और डोनेट करना चाहोगे तो मोस्ट वेलकम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और इंस्टाग्राम पर भी हूँ, वहाँ पर फ्री में जाकर आप फॉलो कर लीजिएगा @DenzilFrank20, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।